हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मैथ के सेशन में। तो दोस्तों, आपको पता है कि अपनी मैथ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, उसका एम हमने रखा है 1 से 17 नंबर। ठीक है, तो एम अपना ये रखा है अपना, तो उसमें हम क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और वो जो होते हैं ना, जैसे MTS हो गया, रेलवे हो गया, ये क्या करता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो उसके आगे जो एग्जाम आना है ना, तो उसमें वो क्वेश्चन रिपीट करता है। वो रिपीट करने का मतलब वो सेम नहीं डाल देता, तो मतलब उसी तरीके का सेम क्वेश्चन वो देता है। ठीक है, थोड़ी बहुत रकम चेंज कर देता है, तो हमें उस तरीके से हमने तैयारी करनी है। कुछ बच्चों का मैथ वीक होता है, तो जो वीक होता है तो वो मतलब अभी जो कर नहीं पाते पूरा मैथ, और उनके पास मैथ करने का पूरा सोर्स भी नहीं होता। तो उस तरीके से हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिस बच्चे का मैथ कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर भी वो 1 से 17 नंबर तक वो बच्चा फिर भी आराम से लेकर जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके की मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है। अब ये देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं हम, ज्यादा वीडियो को ना लंबा करते हुए। पहला क्वेश्चन बोलता है, MTS 2022 में लास्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोला है कि सोनू ने, अच्छा ये MTS 2022 में, मतलब ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया अभी एग्जाम के, मतलब क्वेश्चन के नीचे MTS लिख, आप ऑफिशियल साइट पर जाके इसको चेक कर सकते हो कि ये वाकई में क्वेश्चन पूछा गया या नहीं पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सोनू ने SI पर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पर, एक राशि उधार ली और ब्याज दर पर पहले 3 वर्ष में 3%, अगले 5 वर्ष में 4% और अगले 7 वर्ष में 6%। उसने ब्याज के रूप में 2,485 रुपये का भुगतान किया हो, तो उधार ली गई राशि क्या है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन को ज्यादा लंबा नहीं खींचना होता, हमने सिर्फ मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है। देखो, SI पर उधार लिया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, तो 3 वर्षों में 3%, तो क्या है, 3 वर्षों में 3%, इसका मतलब है कितना हो गया, 9। अगले 5 वर्षों में 4%, 5 वर्षों में 4%, 5 चौके कितना हो गया, 20। और अगले 7 वर्षों में 6%, तो 7 छके कितना हो गया, 42। ठीक है दोस्तों, तो हमें देखें तो इतनी परसेंट हमें ब्याज लगकर हमें लास्ट में कितने देने पड़ रहे हैं, 9 और 2 11, 4 और 2 6 1 7, 71 रुपये हमें देने पड़ रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आप 71 रुपये नहीं दे रहे हो ब्याज के रूप में, आप 2,485 रुपये दे रहे हो। कितने दे रहे हो, 2,485 रुपये, कितने मल्टीपल ज्यादा, 35। क्वेश्चन बोल रहा है कि उधार ली गई धनराशि के, तो मतलब अभी आपकी 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ रही है, 35। तो हमें क्या करना है, हमें परसेंट 100 की वैल्यू चाहिए, तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करोगे, अब ये परसेंट है, इसको 100 बनाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई और इधर भी 100 की मल्टीप्लाई, तो 100 बराबर कितना हो गया, 3,500 रुपये। इसका मतलब है जो उधार ली गई राशि थी ना, वो हमारी 3,500 रुपये थी। ठीक है दोस्तों, तो MTS का एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, देखो अब ये देखो, ये क्वेश्चन है LCM का क्वेश्चन है और UPSC में पूछा गया है, तीसरे महीने मतलब 3 तारीख 7वां महीना और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया इसी साल का। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, एक्स सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी क्या होता है, LCM। मैंने आपको बताया था LCM की, अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, LCM होता है सबसे छोटी, और जबकि वाई सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मतलब अपना क्या आ गया, HCF आ गया। HCF और LCM निकालने की मैंने वीडियो बना दी है, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी तो पहले वो जाकर LCM और HCF की वीडियो देखो। ठीक है, बोल रहे हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 24 और 30 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, अगर 24 और 30 दोनों से विभाज्य है ना, तो हमें अगर 24 और 30 का LCM निकालना पड़े तो कितना निकलेगा, 120 निकलेगा। ठीक है, और वाई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 36 और 100, अगर हम इसका HCF निकालना पड़े तो HCF आ जाएगी इसका 4। बोला है कि X और Y का मान क्या होगा, मतलब हमें बताना है X माइनस Y बताना है। ठीक है, तो X माइनस Y मतलब दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 116, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो, 3 नंबर क्वेश्चन RRB में क्वेश्चन पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन, यदि 10x बराबर कोट 48 डिग्री प्लस 2x बराबर 2x और 0 डिग्री इज इक्वल टू, मतलब 90 डिग्री x मान क्या है। ठीक है, इसका मतलब हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें सिर्फ बताना क्या है, x का मान बताना है, ये x पड़ा। ठीक है, इस x का मान बता देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो टेन का उल्टा होता है अपना कोट, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, और सेक का उल्टा क्या होता है कोसेक, और साइन का उल्टा क्या होता है कोस। ठीक है, तो जब भी देखो दोस्तों एक दूसरे का उल्टा दिया हो ना, तो हमें जोड़ 90 डिग्री करना होता है। देखो टेन का उल्टा क्या दिया हुआ है कोट दिया हुआ है, हमें पता है टेन का उल्टा होता है भी कोट है, तो इसका मतलब है कि हमें एक बार 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहां पे, इधर इधर है अपना टेन एक्स बराबर क्या है कोट। ठीक है, और इधर क्या रह गया अपना 48 डिग्री प्लस में क्या है 2x। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमें क्या बताना है x, x की हमें वैल्यू बतानी है, और हमें क्या दिया हुआ 48 प्लस 2x किससे बराबर होना चाहिए, मैंने बताया आपको जब एक दूसरे का उल्टा दिया हो तो हमें 90 डिग्री बनाना होता है। तो हमें 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें 90 डिग्री बनाने के लिए 48 डिग्री प्लस में 2x बराबर ये किसके होना चाहिए 90 डिग्री को होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है देखो 2x और 1 कितना हो गया 3x बराबर में क्या आ गया, अब ये 90 है जो प्लस का है वो इधर आ जाएगा और ये प्लस का है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर कितना आ गया अपना 3x बराबर आ गया 42 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे निकल के, x की वैल्यू आ गई अपनी 14। तो हमें 90 डिग्री बनाने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ x का मान पूछा गया है। तो ठीक है, तो x का मान कितना आ रहा अपने पास 14, बस सिंपल सा आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो बोल रहे हैं कि पनीर के 1,050 रुपए के टीन पर 11% की छूट देते हैं। ठीक है, 1,750 रुपए के मक्खन के टीन पर 32% की छूट देते हैं। ठीक है, और हमें 5 टीन पनीर व 4 टीन मक्खन खरीदने हैं। अब ये तय नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो हमें मिलने वाली प्रभावी छूट बतानी है क्या होगी। ठीक है दोस्तों, बताना क्या है, देखो 1,050 रुपए के हमें 5 टीन खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं 1,050 रुपए के, मैंने कितने टीन खरीदने 5। और उधर देखे तो 1,750 रुपए वाले है ना, वो हमें कितने टीन खरीदने 4 खरीदने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब जो चीज कट रही है वो यहीं पे काट दो और आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो तो 0 से 1 0 तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसको 5 पर काट के देखें ना, तो ये आ जाएगा 5 3 15 और 7 5 35, और इधर देखें तो ये चला जाएगा आपका 21 5 कितना होता है 105। फिर भी अगर और काट के देखें ना, तो ये चला जाएगा अपना, ये चला जाएगा एक 3 पर देखें, नहीं आप 7 पर देखो, 7 3 कितना होता है 21 और 7 5 कितना होता है 35। तो देखो 5 से ये 5 कटे, आपका रह क्या गया, आपका रह गया 3:11, इतना ही रहे ना। तो 3:11 रह गया, तो चलो मैं आगे ये स्लाइड में करवाऊंगा क्वेश्चन। तो 3 रुपए वाले पर 11% की छूट मिल रही है। ठीक है, और मतलब 11 रुपए वाले पर कितने की मिल रही है 32 की छूट मिल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अभी हम देखें एक बार दोबारा कि यहां पे लिखे, मैं लिख देता हूं, जो 3 रुपए वाला था ना उस पर कितने की छूट मिल रही थी हमें 11 की, और आगे जो 4 रुपए वाला था उस पर हमें कितने की मिल रही थी छूट 32 रुपए की। तो ये देखो मल्टीप्लाई में करके कितना आ गया आपका, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 33 रुपए, और ये कितना आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करें तो 128, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 4 और 3 7 3 से। ठीक है, अब इनको जोड़ के देख लो 161 बनेगा और बटे में क्या आ जाएगा 7। अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड करके देखें ना, तो 23% की हमें छूट मिलती है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था और आपको बस थोड़े से मतलब टाइम में मैंने करवा दिया। क्वेश्चन बोल रहे हैं अगला, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, समय अवधि क्या है। देखो क्वेश्चन कोई बिल्कुल ज्यादा मतलब टफ नहीं है, बस इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया 2/5। ठीक है, बस इस तरीके का ये जब क्वेश्चन आ जाता है ना, बटे वाली वैल्यू या फिर पॉइंट वाली वैल्यू, तो उसमें क्या कहता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना,
बोल रहे हैं किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज पर राशि 2/5 समय अवधि का है, मतलब आपको टाइमिंग बतानी है। तो आपको फॉर्मूला मैंने बहुत बार बता दिया सिंपल इंटरेस्ट का, पी गुणा कितना होता है आर गुणा में टी और बट्टा में क्या होता है 100। ये फॉर्मूला आपका। तो देखो ये बोल रहा है वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो इसका मतलब हो गया कि आपका ये तो एस आई है और ये क्या है मूलधन, ठीक है प्रिंसिपल, बस इतना चीज देखनी है आपको। और फॉर्मूला पे चीज चीज रख दी है वो मौक रख दो। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना 2, तो एस आई किधर आएगा 2 बराबर मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन ये कितना है 5। हमें क्या बताना है समय अवधि टाइमिंग बतानी है, और 8% वार्षिक दर रेट कितनी है दर, टाइम तो हमें पता ही करना है और बट्टे में क्या लगा देंगे 100। ठीक है दोस्तों अब देखो काट के, अगर आप देखोगे ना 2 को इसके साथ डिवाइड करके तो 4 आ जाएगा, और देखो 5 चौके कितना होता है 20 और 20 पंजे कितना होता है 100, तो इसका मतलब रेट परसेंट क्या है अपनी 5% वार्षिक। ठीक है दोस्तों तो देखिए मैंने कितना आसान तरीके से आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों तो चलिए अभी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सीजीएल प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन है ना ये सीजीएल, क्या आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों तो अभी इस तरीके के क्वेश्चन को करने का हल क्या होता है मैं आपको आसान से आसान तरीका करवाऊंगा इसका, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बोल रहा यदि 9 अंकों वाली संख्या ये और 72 से विभाजित करनी है तो इसका मान बताना है, ठीक है। 72 से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, आपको पता है कि 72 किस किस से बना होता है, एक तो 72 बनता है 9 से और एक 72 बनता है 8 से। इसका मतलब है ये अगर संख्या 9 और 8 से डिवाइडेड है ना, तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या सही होगी। ठीक है दोस्तों तो चलिए अभी हम देखते हैं कि 8 से डिवाइड करने का क्या तरीका होता है। 8 से डिवाइड करने का तरीका अपना ये होता है कि लास्ट वाले जो 3 डिजिट होते हैं ना, कोई भी सीरीज का लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइडेड है तो वो सारी सीरीज क्या होगी 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो लास्ट वाले 3 अंक देख लो, 3 अंक क्या है आपके पास 3 है, अच्छा 3 8, और वाई की जगह मैंने क्या रखाना है, तो y की जगह अगर क्या रखेंगे, अगर हम आज 8 को डिवाइड करके देखें तो 8 दिए कितना होता है 24, 8 चौके कितना होता है 32, कितना रह गया आपके पास 6 रह गया, ठीक है। तो अब छोटे से छोटा अंक यहां पे ये रखोगे 8 से पूरा डिवाइड हो जाए, अगर हम 4 रखते ना तो 8 8 कितना हो जाता है 64 और ये पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो वाई की वैल्यू आ गई ना, वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, मैं यहां पर लिख देता हूं दोनों वैल्यू, ठीक है y की वैल्यू आ गई अपने के पास 8, और अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, सभी को जोड़ लो, मतलब अभी 8 से डिवाइड होगी ये संख्या, और अभी 9 से डिवाइड करने का ये तरीका होता है सभी को जोड़ लो। जब हम सभी को जोड़ेंगे ना तो उसमें देखो कि क्या कमी रह जाती है, पहले आप इनको जोड़ो, देखो 7 और 6 9 8 1 3 8 और y की वैल्यू अब की बार यहां पर कितनी है 4 आई हुई है अपने पास, एक मिनट, अच्छा 8 नहीं है दोस्तों 4 है, क्योंकि हमने y की वैल्यू यहां पे 4 रखी थी ना, तो ये 4 है, तो इसका मतलब है अब y की जगह यहां पे 4 भी आ गया। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो आपका आएगा 46 आएगा। 46 को अब क्या करोगे आप, 46 को आप 9 से डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करो तो आपका आ जाएगा 6 निमा कितना होता है 54 होता है, पीछे कितना रह गया, तो ये पूरा पूरा कट गया। अच्छा पूरा पूरा कट गया इसका मतलब मैंने आपको 46 सीधा 54 काट दिया, तो इसका मतलब है भी अगर हम इन सभी अंकों का जोड़ करेंगे ना तो सभी अंकों का जोड़ आता है 46, ठीक है। तो 46 के बाद हम इसमें कितना ऐड करें, ठीक है ठीक है, तो 46 के बाद कौन सी ऐसी संख्या आती है जो 9 से डिवाइड होती है, तो अगर हम देखें तो 1 निम 2 निम 18 3 निम 27 4 निम 36 5 निम तो कितना होता है 45, ठीक है, और 6 निम में कितना होता है 54, ठीक है। तो अगर हमारे पास 46 तो है, तो 46 के बाद 54 कितने बाद है, 46 के बाद 54 है अपने पास शायद 8 अंकों के बाद, इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी है 8 है। और हमें पूछा क्या है, हमें अब सीधा बस कुछ नहीं पूछा,
अब हमें पूछा है 4x + y, ठीक है। तो 4 कितना है अपने पास, 4 का तो 4 यहीं पे रहेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 8 है, ठीक है। एक मिनट, x की वैल्यू आप, तो x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, x की वैल्यू हमने निकाली 8, और प्लस y की वैल्यू कितनी निकाली, y की वैल्यू निकाली 4। अब देख लो 8 चौके कितना होता है 32, 32 और 4 कितना होता है 36। अगर 36 को अगर रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, जो किस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे देखने को, ठीक है, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो। देखो सीजीएल में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है SSC CHSL Tier 1। अब देखो क्वेश्चन क्या, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ठीक है, मतलब अभी एग्जामिनर का MTS SSC का ना ये मतलब टाइम एंड वर्क का फेवरेट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है, अगर किसी को ट्रिक पता होती है तो। बोल रहे हैं 12 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। अच्छा हम देखो साथ के साथ में करते जाएंगे, 12 पुरुष किसी काम को, मतलब 12 मेल किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 4 लड़के उसी काम को 40 दिन में करते हैं, मतलब 4 बॉयज उसी काम को 40 दिन में करते हैं। बोल रहे हैं 9 लड़के और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो जो चीज कट रही है वो आप यहीं पे काट दो। अगर हम देखें तो 4 तीय कितना होता है आपका 12, ठीक है, 4 तीय कितना होता है आपका 12, और 8 पंजे कितना होता है आपका 40, और कुछ कट रहा है आपका क्या, या फिर गलत कट गया अपना, एक मिनट, हाँ 4 तीय 12 होता है ना, मैंने 12 लगा दिया है, बाकी सही है, चलो ठीक है। तो m बटा v की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये अपनी कैपेसिटी आ गई। अब हमें निकालना है टोटल वर्क, अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे ना तो या तो ये वैल्यू उठा लो या ये वैल्यू उठा लो, ठीक है, जो चीज मांग रहे हैं वो भर देना और आंसर आ जाएगा अपना, मतलब टोटल वर्क आ जाएगा। अब हमें टोटल वर्क निकालने के लिए 12m × 8 रखते हैं, तो 12 की जगह तो 12 ही आएगा, 8m की वैल्यू कितनी है 5, तो 12 पंजे 60 और 60 अट्ठे कितना होता है आपका, देखो 12 × 5 × 8 कितना आ जाएगा आपका 480 टोटल काम आ गया। बोला है क्वेश्चन ने कि 9 लड़के मतलब 9 बॉयज प्लस 3 पुरुष मेल, तो 9 की जगह 9, बी की वैल्यू कितनी है 3, प्लस 3 की जगह 3, एम की वैल्यू कितनी है 5, तो 9 दिए कितना हो गया 27 प्लस 5 दिए 15, कितना रह गया आपका 42। क्वेश्चन बोला है 42 काम को किसने करना है, 480 काम को हिसाब से, अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड करके देखेंगे ना तो आपका आ जाएगा 80/7, आप डिवाइड करके देख लेना, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलो अभी हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन मतलब मैं लेकर जरूर आई हूं, मुझे मतलब मिला नहीं है कौन से एग्जाम में क्वेश्चन है, पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसा क्यों हो जाता है, बोल रहे 50 वस्तुओं का माध्य 24 था, बाद में पता चला कि 38 व 77 के बजाय 83 व 17 पढ़ा गया, तो हमने पढ़ना कितना था 38 व 77 की बजाय हमने पढ़ लिया कितना 83 व 17। अगर हम देखें तो हमें पढ़ना तो था 115, पढ़ कितना लिया हमने 100, ठीक है, मतलब कम पढ़ लिया 38 व 17, हाँ कम पढ़ लिया, कितना 15 कम पढ़ लिया, ठीक है 15 कम पढ़ लिया। क्वेश्चन ने बोला 50 वस्तुओं का माध्य 24 था, इसका मतलब है भी 15 जो वस्तुएं थी ना, 15 वस्तुएं ये मतलब इनका कम पढ़ लिया, मतलब माध्य कितना था 50 था। अगर हम देखें तो 3/ कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है, अगर हम इसको भी डिवाइड करके देखें ना तो 0.3 आएगा, इसका मतलब 0.3 की वृद्धि अभी और होनी है, तो मध्य कितना था 24, 0.3 की वृद्धि और कर दो 24.3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे। हाँ जी दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहे एक वृत्त की जीवाओं पी क्यू व टी एस को बढ़ाकर बिंदु आर पर मिलाया गया, ठीक है दोस्तों। क्या बोला है, एक वृत्त की जीवाएं, कोई वृत्त है अपना, ये मान लो वृत्त है अपना,
इनकी जीवाय पी क्यू व टी एस को बढ़ाकर बिंदु आर पर मिलाया गया। ठीक है, अभी इनकी जो है ना ये मतलब वृत्त है, ये बदा करके क्या कर दिया इन्होंने कर दिया बिंदु टी पर मिला, बिंदु आर पर मिला दिया। ये मतलब बिंदु आर है, यहाँ पे मिला दिया। बोला है पी क्यू, अब ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, और टी एस ये आपका टी हो गया और ये आपका एस हो गया। ठीक है, बोला है यदि पी क्यू 8 सेंटीमीटर, अब पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, क्यू आर आपका कितना है 6 सेंटीमीटर है, एस आर कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, तो टी एस बताना है आपको। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो ये आपको बताना है, ये आपको पता है और ये आपको बताना है, इसका मतलब है इसकी रेशियो और इसका रेशियो अलग अलग होगा। तो ये कितना आपके पास 6, और मल्टीप्लाई में कितना है 8 और 6 कितना लिख देंगे 14, बराबर में कितना ये आपके पास कितना है 5, और अब टोटल ये कितना हो जाएगा, हमें टोटल नहीं पता तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पे आर टी लिख दो या टी आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो चीज़ कट रही है वो यहीं पे काट दो। तो देखो अगर हम 5 को इसके साथ काटेंगे ना तो आपका आएगा 1.4, तो आपका पीछे क्या बच गया 1.4 और 14 कितना आ गया आपका, अगर हम इसको डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करें तो 16.8 आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा 14 मतलब है ये आ जाएगा आपका 19.6 आ जाएगा आपका, 19.6, 19.6 आपका क्या आ गया, ये पूरी जीवा आ गई। 19.6 में से 5 ये माइनस कर दो, अगर आप ये 5 माइनस करोगे ना 5.0, तो आपके पास उत्तर क्या बच जाएगा आपका 6, और 19 में से 5 गया 14, 14.6 की आपके पास ये जीवा है। ठीक है दोस्तों, आसान था क्वेश्चन, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTS 20/6/2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। बोला तीन साझेदार लाभ को इस प्रकार साझा करते हैं, पी एस के हिस्से का 4 गुना, क्यू एस के हिस्से का 5 गुना, बराबर है आर एस के हिस्से के 8 गुना के। ठीक है, तो पी एस का हिस्सा 4 गुना, ठीक है, तो इसका मतलब है 4 पी आ गया आपका, बराबर है क्यू एस के हिस्से का 5 गुना, मतलब 5 क्या आ गया क्यू, ये बराबर है आर एस के हिस्से के 8 गुना के, 8 गुना के आर बराबर है। ठीक है, तो पी क्यू आर का लाभ बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ना तो आपको क्या करना है, सीधा सिंपल एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 40, एलसीएम 40 आ गया, तो 4 को अगर 40 से करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8 5 40, ये बस इनका रेशो आ गई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, देखो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अभी हम करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित है। अब देखो कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, परी त्रिभुज के अंदर है, ठीक है, अब ये आपका कोई त्रिभुज है, इसके अंदर है ये त्रिभुज है, परी के अंदर त्रिभुज के अंदर है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या, अब ये परी के अंदर होता है मतलब आधा, कितना है इसकी त्रिज्या, कितनी है 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो, अगर त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी हो ना तो ये इसका फॉर्मूला आपका होता है ए बटा रूट में 3, ठीक है, तो ए बराबर क्या आ गया आपका 8 और रूट में क्या आ गया 3, क्योंकि इसको अगर हम सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अभी दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि राहुल ने एक 5500 रुपये में खरीदी, एक वस्तु कोई है 5500 रुपये में खरीदी है, 25 रुपये घट्टे में बेच दिया। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे, 25 रुपये घाटे में बेच दिया, उसी राशि को उसने एक वस्तु खरीदी और 40% लाभ पर बेच दी। अब इसी राशि को उसने 40% लाभ पर खींच दी, तो राहुल को कितने परसेंट का लाभ हुआ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्या बोल रहे हैं, हमें बस इतना सोल्व करना है। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, माइनस प्लस और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 25 गुणा में 40, और बटे में क्या लगा दोगे आप 100, बटे में 100 लगा दिया। देखो जो चीज कट रही है, अब 25 को अगर आप इधर डिवाइड करोगे ना तो आपका कितना आ जाएगा, अब पहले तो इधर से इधर माइनस करो, कितना आ गया आपका 15 रह गया, ये कितना आ गया आपका, अब देखो माइनस 15 और ऊपर रह गया आपका 1000, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, नीचे क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, 15 में से 10 गया, कितना रह गया 5, 5% का उसको लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है अपना 13 नंबर। ठीक है, देखो सीजीएल 2022 में पूछा गया, एमटीएस 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया, साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि अपने आप की 3 गुना हो जाती है। देखो मान लो कोई धन ने 1 रुपया 3 रुपया कब हो गया,
देखो 3 गुना हो गया ना, कितने सालों में, 2 सालों में हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, पी गुणा आर गुणा टी बटे में क्या गया 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा आपका इस पे, 2 रुपये लगे, ठीक है। मूलधन कितने है, कुछ नहीं है, मूलधन ये है आपका 1 रुपया, 1 लगाओ। रेट आपको पता नहीं है, और ये आपका कितना है, 3 गुना हो गया, ठीक है। तो ये 3 गुना नहीं है यहाँ पे ना, 36 गुना होगा शायद आपका, एक मिनट। तो आप ना एक यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करो, 3 गुनी हो जाती है 36 वर्षों में, ये थोड़ी मैंने गलती कर दी लिखने में, तो ठीक है 36 वर्षों में लिखनी है। तो रेट हमें पता नहीं है, टाइम कितना है अपने पास, 36 साल का, और बट्टे में क्या लगा देंगे हम, 100, ठीक है। तो जो चीज़ कट रही है यहीं पे काट के देख लो, अगर हम काट के देखें, अगर इसको 4 पे, अगर 4 पे काट के देखें ना, तो ये चला जाएगा 9 चौके 36 और 25 चौके कितना हो गया 100, ठीक है। तो 25 दुने कितना हो गया 50, तो 9/50, अगर 9/50 को डिवाइड करेंगे तो 5.55% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इसकी रेट लगी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अभी वीडियो को समाप्त करते हैं, आज थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, क्योंकि वीडियो लंबी इसलिए ज़्यादा हुई है क्योंकि मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाले इसमें, ठीक है। क्वेश्चन मैंने वे ऐसे भी करवा सकता हूँ मैं कि 26-27 मिनट की वीडियो में अगर मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, क्वेश्चन करवाने का ऐसे कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन हमें वो करने हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और ताकि आपको भी लगे ठीक है भी हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और नेक्स्ट आगे वीडियो को सेंड भी कर देना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।